अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई थिंक मेरी सारी यूट्यूब फैमिली अपने घरों में खुशबाश रह रही होगी और जिसकी ज़िंदगी में परेशानियां टेंशन है, अल्लाह उनकी टेंशनें दूर करें। आज हम आपको अपनी हैक्स बयान करेंगे कि जो मैं अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करके उसके उनसे फ़ायदा उठाती हूँ। मैंने क्या क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी वही हैक शेयर करूँ। सो हैक्स मतलब कि ज़िंदगी को जो आसान बनाने वाले हैं, ज़िंदगी में डेढ़ों डेढ़ काम होते हैं उसके लिए आसान बनाने के लिए अपने हैक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हैक, अगर आपके वॉशरूम में काकरोच फिरते हैं, किचन के दराज़ों में काकरोच वगैरह फिरते हैं, तो आप उन किचन के दराज़ों में और वाशरूम के अंदर तेज़पात, ये जो हम मसाले वगैरह बना मसालों में जो यूज़ होता है, बिरयानी में यूज़ होता है, देगों में यूज़ होता है, वो तेज़पात बड़ी प्रेशर उसके अंदर ग्राइंडर में पीस के उसका पाउडर बना के वो पाउडर डाल देंगे। मैंने भी पाउडर अपने टाइलों पे डाल दिया है। हमारे भी काकरोच घर में आते हैं, हर एक के में आते हैं। इसका ये मतलब नहीं है सफाई नहीं है इस वजह से काकरोच आ रहे हैं, वैसे ही मौसम इस तरह का निकल आते हैं। तो ये मैंने भी डाल दिया है पाउडर वगैरह सारी टाइलों के ऊपर, और इसके बाद उसको ब्रश मार के साफ़ करेंगे और यकीन माने सारे काकरोच भाग जाएंगे। उसके बाद मैं आ गई छत पे। एक अगला हैक भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, फिर मैं छत पे आ गई। मैंने कहा कपड़े वगैरह ना बच्चों के धोने, यू नो बच्चों वाले घर में तो रोज़ ही कपड़े धुलते हैं और रोज़ ही ड्रायर होके सूखते हैं और फिर वो बच्चे पहनते हैं। तो सो आप भी कहते होने ये रोज़ अपने कपड़े धोने चल पड़ती है, मैं भी रोज़ बाकी रोज़ में धोती हूँ। उसके बाद सेकेंड हैक को स्टार्ट करते हैं। ये जो मसाले वाली हमारी डब्बी होती है, ये मसाला पीस पीस के इसके अंदर स्मेल पैदा हो जाती है। इसके अलावा हम इसके अंदर कोई भी चीज़ को पीसें तो स्मेल इसमें आती है। सो इसकी स्मेल दूर करने के लिए आपने एक डबल रोटी का पीस लेना है, उसको इसके अंदर डाल के डबल रोटी का चूड़ा करके तो ग्राइंडर मशीन चला देनी है। यकीन माने जब वो डबल रोटी का चूड़ा हो जाएगा उससे सारी डबल रोटी जो की जो नमी है ना डबल रोटी, वो अपनी अंदर सोख कर लेगा इसकी स्मेल को और आपकी जो ग्राइंडर में से स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। थर्ड हैक एक आपकी जो छुड़ियाँ, अगर वो घर की तेज़ नहीं है, सब्ज़ी बना बना के गोश्त काट काट के छुड़ियों को जंग लग चुका है, आप एक कप उल्टा करें, उल्टे कप पे छुड़ी रखें और उसको ऐसे ऐसे रगड़ते रहें रब करते रहें, तो यकीन माने 5-10 मिनट बाद आपकी जो छुड़ी है बिल्कुल तेज़ तरार हर चीज़ काटने के काबिल हो जाएगी। आपको बाज़ार भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी घर में ही छुड़ी तेज़ हो जाएगी। ये जो मैंने हैक बताया, ये मैंने आजमाया हैक बताया क्योंकि मैं ऐसे करती हूँ, तो आपको मैंने हैक वो बताया। तो आप भी इस हैक को अपने घर में यूँ इस्तेमाल करें तो इससे इस्तेफ़ादा उठाएं। जो आपके साथ हैक शेयर कर रही हूँ, ये हैक आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना देंगे और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ताकि आप लोग भी इन पर फ़ायदा उठा सकें, इसलिए आपके साथ मैंने शेयर किया। थर्ड हैक है जो बोतलें होती हैं उनके अंदर बोतल आती हैं, जूस आते हैं, तो वो अपनी ना पानी उनके अंदर भरे ना टूटी से तो वो अपनी स्मेल छोड़ जाते हैं। उन बोतलों को साफ़ करने के लिए उसके अंदर एक अदर डालना है सिक्का, थोड़ा सा डिश वाशर मैंने डाला है और उसको शेक करना है। शेक करने के बाद आपने वो पानी गिरा के न्यू पानी डालना है और यकीन माने आपकी बोतल साफ़ चमकदार बिल्कुल खूबसूरत और नई नज़र आएगी। ये देखे मैंने पानी निकाल के तो बकाया बोतल निकाल के तो आपको धो के दिखाती हूँ। अगला है क्या कि हम कोई डब्बे के अंदर दाल डालते हैं, कोई बेसन डालते हैं, उसमें कीड़ा लगने का खतरा होता है। सो आपने उस कीड़े से अपनी दाल को या बेसन को बचाने के लिए जो रेड मिर्च होती है साबुत वाली जो कड़ी में डलती है, वो आपने रेड मिर्च उसके अंदर डालनी है डब्बे के अंदर, फिर उसके अंदर अपनी चने की दाल या मूंगी की दाल या मसूर की दाल डालनी है। यकीन माने आपकी दाल को कभी कीड़ा नहीं लगेगा। ये मेरा 5 हैक था। मेरे हैक को इस्तेमाल करें अपनी घरेलू ज़िंदगी में और अपनी इस अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। आगे ही साथ साथ मेरी डेली रूटीन चल रही है। आप भी कहेंगे रोज़ चिकन बनाती है, रोज़ चिकन की वीडियो बनाती है। बस एक्चुअली सब्ज़ी पे भी उतने ही पैसे लगते हैं वेजिटेबल पे, और चिकन पे भी उतने ही पैसे लगते हैं। तो मैं फिर चिकन बना लेती हूँ और चिकन के साथ हम लोग फिर अपना डिनर इंजॉय कर लेते हैं या लंच इंजॉय कर लेते हैं। फिर मैं वही चिकन बना रही थी, साथ बच्चों ने कहा मामा चिप्स बना दो, उनको चिप्स भी बना के दे रही थी। साथ साथ मैं अपनी रोटियाँ भी बना रही थी, आपको रोटियों के क्लिप भी नज़र आ रहे होंगे, मैं वो भी साथ साथ बना रही थी। तो सारी रूटीन आपके साथ मैंने आज की आपके साथ सारी रूटीन शेयर की। उसके बाद पूरा दिन घर के रूटीन के काम किए, चावल भी बनाए हैं, थर्ड जो चूल्हा है उसके ऊपर चावल भी बनाए हैं, वो भी आप देख रहे होंगे। उसके बाद साथ साथ अपने कपड़े चेंज करके, बच्चों के चेंज करके, खाना बनाने के बाद मैंने फिर नमाज़ अदा की।
नमाज अदा के बाद अदा करने के बाद अल्लाह ताला से ढेर ढेर दुआएं की। जो इंसान मुश्किलों मुसीबतों में अल्लाह ताला उनकी मुसीबतें दूर करे, जो इंसान किसी भी मुश्किल में अल्लाह उसकी मुश्किल दूर करे, आमीन। सो आज का व्लॉग आई थिंक सो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। उसके बाद मगरिब की अजान स्टार्ट हो गई है तो मैंने भी इसके बाद ये नमाज अदा की, आपके साथ नमाज का ही क्लिप अदा कर रही हूँ। नमाज अदा करने के बाद फिर मैं चली गई छत पे, छत पे जाके मैंने सारे कपड़े लान पे डाले, मशीन से निकाल के सारे कपड़े लान पे डालने के बाद धूप में डालने के बाद मैंने अपने सारे कपड़े वहाँ डाल के आपको गली का नज़ारा भी करा